बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। माइके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अले अब तो लोना बंद कर लो, बहुत हो गया। मुझे मेरे बाप चाचा भाइयों की याद आ रही है। मैं 25 साल उनके साथ रहा हूँ, अब उनको छोड़ के ससुराल जाना पड़ रहा है। देखो जी आप लो मत, वरना आपको देख के ना मुझे भी लोना आ जाएगा। अब आप चुप हो जाओ प्लीज। मुझे 2 दिन बाद मेरे बाप चाचा और भाइयों से मिला तो दोगी ना? अले हाँ हाँ, हम 2 दिन बाद वापिस ठेला डालने तो आएंगे ना, तो मिल लेना। अब चुप हो जाओ। देखो मेरी एक बात सुनो, लड़की को भी तो एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है ना, तो फिर पता नहीं ससुराल में आगे जाके उसको कैसी छाछ मिले, कैसा छछुर मिले, कैसा जेठ मिले, पता नहीं कैसी जेठानी मिले, ये भी नहीं मालूम उसकी ननद कैसी हो, उसका देवल कैसा हो। एक दिन तो ये होना ही है, तो अब आप चुप हो जाओ। मुझे भी तो पता नहीं आगे जाके कैसे सास ससुर मिलेंगे, कैसे साला साली मिलेंगे। अले अब आप चुप हो जाओ, जब आप घर जाओगे ना तो आपको छछुल के रूप में पिताजी मिलेंगे और छाछ के रूप में माँ मिलेगी और आपको छाले के रूप में भाई मिलेगा और छाली के रूप में साली के रूप में बहन मिलेगी ना। अरे आप भी ना, बहन नहीं छाली। आप ही तो अभी कह रहे थे ससुर के रूप में बाप मिलेगा, माँ के रूप में सासू मिलेगी, देवर के रूप में भाई मिलेगा और साली के रूप में बहन ही तो हुई। अले अच्छे तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा ना, अगर वो आपकी बहन लगेगी तो फिर मैं आपकी क्या लगी? बड़ी बहन। ए लाम पूरी किस्मत में। राम राम जी, ये सच्चाई है कि अगर ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो लड़कियां जाएंगी लड़कों को ब्याहने। अगर लड़कियों को ऐसे ही हम कोख में मरवाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लड़कियां बहुत कम। तो अभी आपने देखा ना जो हाल था, आने वाले समय में लड़कियों की कमी के कारण यही हाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे विनती है कि कन्या भ्रूण हत्या ना करवाए और आगे तोतली भाग दो में देखिए कि इनका क्या हाल होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ससुराल।